इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए चलने वाली 5 नई ट्रेनों के बारे में। यह 5 नई ट्रेन स्पेशल ट्रेन होगी और इसका परिचालन को लेकर के रेलवे बोर्ड ने बात कही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही कोई अन्य ट्रेन का जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सेंट्रल रेलवे ने कुछ नई ट्रेनों की लिस्ट बनाई है जिसमें इन सभी ट्रेनों का परिचालन देखने को मिल सकता है। पहली ट्रेन TSMT से सवंतवादी रोड के बीच चलाई जाएगी और यह ट्रेन कुल 16 ट्रिप चलेंगी। ट्रेन संख्या 01101 के साथ यह ट्रेन का परिचालन किया जाना है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 11:05 पर खुलेगी और इसका परिचालन पहले दिन 15 अगस्त से देखने को मिलेगा। 15 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक इस ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा और यह ट्रेन सावंतवादी रोड 9:30 पर दूसरे दिन पहुंचेगी। इसी के साथ दूसरी ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। यह ट्रेन लोकमान्य तिलक से कुडाल के बीच 16 ट्रिप लगाएगी और यह एक स्पेशल ट्रेन होने के साथ ही यह ट्रेन 01103 के साथ चलेगी। यह ट्रेन लोकमान्य तिलक से 11:50 पर प्रतिदिन खुलेगी और यह ट्रेन 15 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच परिचालन किया जाना है। तो चलिए जान लेते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेज और स्टेशन के ठहराव के बारे में। यह ट्रेन थेन, पनवेल, रोहा, मनगांव, वीर, खेर, चिलपुन, अरावली रोड, रत्नागिरी जैसे तमाम रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव देखने को मिलेगा। इसके साथ तीसरी ट्रेन के बारे में भी जान लेते हैं और यह ट्रेन भी CSMT से लेकर के सवंतवादी रोड के बीच 16 ट्रिप लगाएगी। यह स्पेशल ट्रेन 01105 के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 11 खुलेगी। इसका भी परिचालन आपको 15 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच देखने को मिलेगा। इसका परिचालन दादर, थेन, पनवेल, रोहा, चिलपुन, सर्वदा, रत्नागिरी जैसे तमाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। चौथी ट्रेन भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है और चौथी एवं पांचवी ट्रेन के बारे में जाने तो यह ट्रेन भी आपको 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक देखने को मिलेगा। इसका परिचालन इसके साथ ही रत्नागिरी लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 16 ट्रिप लगाएगी और CSMT सवंतवादी रोड स्पेशल ट्रेन 24 ट्रिप लगाएगी। इन सभी ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने 15 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इसको बुकिंग को लेकर के भी खबरें आ रही हैं। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।